हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म कलंक रिलीज हो चुकी है। फिल्म के रिलीज के बाद हर किसी को इंतजार रहता है उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। तो चलिए इंतजार किस बात का, बताते हैं आपको कि कलंक ने पहले दिन कितने करोड़ों का कारोबार किया है। बता दें कि कलंक ने पहले दिन 21 करोड़ 60 लाख की कमाई की है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरुण आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। तरुण ने ट्वीट कर लिखा है, कलंक स्टार्ट्स विद अ बैंग, इमर्जेस बिगेस्ट ओपनर ऑफ 2019 सो फार, फ्लेक्सेस टेरिफिक, इंप्रेसिव कास्ट एंड हाइप, प्लस मैसिव स्क्रीन काउंट, महावीर जयंती हॉलीडे हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ बिग टोटल, वेंसडे रुपीज 21.60 करोड़ इंडिया बिजनेस। बता दें कि ये फिल्म वरुण और आलिया की अब तक की सबसे शानदार ओपनिंग देने वाली फिल्म साबित हो चुकी है, जिसने जुड़वा 2 और गली बॉय को भी पीछे छोड़ दिया है। बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ है। साथ ही इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 5300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। फिल्म को पहले दिन वाकई में शानदार ओपनिंग मिली है। करण जौहर के बैनर तले बनी ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। बता दें कि फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं। ऐसे में भले ही फिल्म ने पहले दिन जबरदस्त कमाई की हो, लेकिन आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी पर ही निर्भर है। यूं कहें कि कलंक की कमाई पर असर भी पड़ सकता है। अभिषेक वर्मा की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वरुण और आलिया के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त भी इम्पोर्टेंट रोल में है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि कलंक अपने पहले वीकेंड पर कितने करोड़ों का कारोबार करती है। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Tell people you have fever. It's a conference. पहले तो I think आदित्य जी को आज थोड़ा सा फीवर हो गया है, जो सच बात है, थोड़ा सा नहीं, काफी हाई फीवर हो गया है, बट ही स्टिल कम, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। एंड 7 दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए। हमारे सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है ये। बहुत ही एक्साइटेड है। दैट्स ट्रू। बहुत एक्साइटेड है, नर्वस है, एवरीथिंग। एंक्शस है। हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है। देखी नहीं है इसीलिए, बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है। बहुत है। अब तक जो भी कुछ आया है लोगों ने बहुत प्यार दिया, एंड होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म आप सबको भी बहुत अच्छा लगे। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है। जफर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे जिंदगी के लिए, बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये। ये बोलता है जफर की बोली है बंदूक की गोली, तो जफर का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, करण का, करण एंड साजिद सर एंड फॉक्स के जो होप्स है फिल्म पे, आई होप वी कैन ऑल। आई थिंक यू डेफिनेटली डन इट। वरुण ने बहुत हार्ड वर्क किया इस रोल के लिए। ही इज डन सम रियली ग्रूलिंग थिंग्स फॉर दिस फिल्म। फॉर एग्जांपल कारगिल ही शॉट इन -2 डिग्रीज शर्टलेस सीन। He is done saying his dialogues. एक bullfight किया है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको, तो I am sure it'll all pay off. It's all been so positive actually, बहुत ही positive reaction feedback मिला है, ना सिर्फ industry के लोगों से, but you know इतने सारे जो fans हैं, इतने सारे लोग जो movies के शौकीन हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है, एंड जो ग्रैंडियर जो मतलब मैग्निफिसेंस है जो ट्रेलर में दिख रहा है, आई थिंक वो बहुत टाइम से नहीं देखा है। सो इट्स ऑल बीन रियली रियली पॉजिटिव। बहुत लोगों के, इंडस्ट्री के लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, एंड एवरीवन इज रियली एक्साइटेड, तो हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है उसी वजह से। बट आई थिंक कलंक एक ऐसी फिल्म है वे मोर देन द इंडस्ट्री, हम सब चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए पहले। इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए, बट दैट इज़ समथिंग विच यू नो, एक जब इतनी बड़ी फिल्म आती है तो ये हम लोग ने ऑडियंस के लिए बनाई है, पूरे देश के लिए बनाई है, बाहर के जो लोग देखेंगे उनके लिए बनाई है। सो वी हैव, आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट दे लाइक द फिल्म। आलिया
for us. Yeah. Yeah, it is. I think just the vision the director had, the way he wanted to mount the film, it required a certain extended budget, which probably we, you know, did not have earlier. But I also feel like that's why it's a very big cast. It's, you know, there are a lot of other actors. You know, all the actors coming together, and it's not just the four of us, even apart from Madhuri ma'am and Sanjay Dutt, you know, we also have Kunal Khemu in the film, we also have Kiara in the film. All the actors are coming together to create this world, because I think everybody was very inspired by the director's vision. So hum usi ke saath chal rahe, and you know, sometimes when you have to kind of mount that scale, you do require that sort of budget. I think because he's very passionate about it. And there's no badnami in this. I think it's in fact it comes very naturally to him. Wo marketing enjoy karta hai, and I think he's got a very positive energy, and he tries to it's a very positive way he markets all his films, and he's just excited for the audience to go and see them, and that translates. And that's why they react to him also when he markets. I think he's gifted. Huh? I think he's gifted when it comes to marketing, and बहुत कम लोगों को वो foresight होता है कि एक film को कैसे पेश किया जाए, जिस तरह से वो एक मजेदार तरीके से सबका interest correct तो बांध के रखता है. I think that's very very nice, Varun. We are sorry. we are very proud of you. Thank you. You all four have been you all four have done many good movies and with big stars, but this time you are doing a multi-star film, and also we have Madhuri Dixit and Sanjay Dutt. एक खासियत ये फिल्म के बारे में ये है कि इस फिल्म के जो निर्देशक है अभिषेक वर्मन, इट्स अ सेकंड फिल्म, इज अ वेरी यंग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है. जो प्राइमरी स्टार कास्ट है इस फिल्म की, विच इज़ वी फो आपके सामने है, ऑब्वियसली दस माधुरी मैम एंड संजय सर हुआ लाइक द पिलर्स ऑफ दिस फिल्म, बट वी फो आर प्रीटी मच यंग एक्टर्स. And I think अभी तक हम में से कोई भी superstar नहीं बने. Obviously, I think Sonakshi's had very very big hits, obviously. But no, obviously you've been part of very big films. But I'm just saying that all of us collectively together, this is all our career's biggest film in terms of budget, in terms of scale. तो एक तरीके से as young actors, this is pressure on all our shoulders that we have to deliver now. And we have to showcase that we can be part of magnum opuses. हम लोग भी वो deliver कर सकते हैं, ऑडियंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड विद अ यंग डायरेक्टर. ऐसा नहीं कि डायरेक्टर ने भी 5-6 फिल्म बना ली है, इट्स हिज सेकंड फिल्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड हीरो फिल्म का हमेशा डायरेक्टर ही रहता है, उसका विजन है. सो दिस इज, और अभिषेक ज़्यादा बोलते नहीं है, बट होपफुली आफ्टर कलंक यू ऑल विल नो द नेम अभिषेक वर्मा. सर अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो. डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में, अनफॉर्चुनेटली, जितना भी मैं चाहती थी. सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है, वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाए. बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को idolize. We have so much idolize किया है, correct. हमें इतनी respect है उनके लिए, and मैं बस इस बात से खुश हूँ कि I'm, you know, I've done a film with her in my lifetime, and to be a part of the same film as her is a complete honor. Well, I think as Sona said, every actor, every young girl has idolized Madhuri ma'am in some way or the other, with her grace, her dance, even her smile. And it was very very encouraging for me to have her present there, actually smiling at me, and actually supporting me, you know, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I'll remember for the longest time, and a process that I've learned a lot from in my life. Well, पहले तो एक relief महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं dance कर रही है. फिर थोड़ी सी डर भी गई, क्योंकि डांस नहीं करे पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था. तो देन आई गॉट कन्फ्यूज के व्हाट्स वर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट रिएक्शन तो ऑब्वियसली आई वॉज ग्रेटफुल,
to be honest, ye opportunity, I could only thank Abhishek that thank you for giving me this opportunity to A, work hard on myself and also share this iconic moment with Madhuri ma'am, you know, in a song like this. I'm sure ऐसे बहुत सारे ऐसे किरदार हो पर मैं तो लेखक नहीं हूँ तो I don't know they'll have to come to me but I'm sure there are so many you know amazing right now like the world is our oyster like anything there's such different kind of films being made so yeah there's so many more opportunities. बहुत रियल स्कोर रिकॉर्ड किया है प्रीतम सर ने अरिजीत संग टू अमेजिंग सॉन्ग्स जो टाइटल ट्रैक है एंड फर्स्ट क्लास I think even Shreya Ghoshal, the way she sang Ghar More Pardesi and Tabah Ho Gaye is unbelievable. Also, I have to give credit to all the singers, the programmers, Pritam Da, Amitabh Bhattacharya. I think bahut vakt ke baad ek original album aaya aur ye bahut important hai hamare industry ke liye ki obviously ek trend hai remixes ka jo chalte hai aur chalna chahiye usko bhi but at the same time original music ko bhi rehna chahiye aur ab hamari album chal rahi hai agar aap dekho in all the charts 1 2 3 all the songs have picked up which is amazing you know and it's a musical film after a long time hamari filme iske liye jaane jaate hai ki hum log music aur dance ke sath bahut acha karte hai aur kahin na kahin indian cinema bahut naye cheeze bhi kar rahe hai but jo hamara strength hai jo hamara gad hai wo music aur dance hamesha se raha hai because we do this better than the west So that's what's going to come your way. You're going to see a complete Hindi film for everyone. So, actually, आप लोगों के लिए कितना difficult है दबंग की shooting कर रहे हैं जो काफी popular I think मैं ये style of working में वापस जा रही हूँ मैं कुछ साल पहले यही करती थी एक film की shoot होती थी दूसरी की promotion होती थी बहुत time के बाद मैं ये वापस कर रही हूँ तो it's a good feeling busy रहना चाहिए एंड दोनों फिल्में बहुत स्पेशल है मेरे लिए दबंग से मेरी शुरुआत हुई थी कलंक इज़ माई लेटेस्ट फिल्म आफ्टर 9 years तो दे आर बोथ वेरी वेरी स्पेशल तो जब आप किसी चीज़ को इतना यू लव वॉट यू आर डूइंग तो वो काम नहीं लगता इट्स पैशन बहुत अच्छा बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी कलंक के बारे में ये काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि यू राइट आई हैव नेवर प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर पहली बात तो ये कि एक पीरियड फिल्म है दैट्स अ फिल्म आई हैव नेवर डन अ पीरियड फिल्म बिफोर तो उस चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल था आई ट्राई टू डू एज मच रिसर्च एज आई कुड काफ़ी फिल्में देखी पुरानी किताबें पढ़े माई कैरेक्टर्स हमारी फिल्म जो है 1940s में सेट है और उस टाइम की पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा कंसर्न है और मेरा कैरेक्टर उस टाइम की पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड था तो उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था मैंने बिकॉज आई हैड टू फील समवॉट कॉन्फिडेंट अबाउट प्लेइंग दिस कैरेक्टर हैड टू डू ऑल ऑफ दैट एंड स्टिल आई नेवर फेल्ट प्रिपेयर्ड एंड आई थिंक एज एन एक्टर वो एक अच्छा फीलिंग है जब आप अनश्योर हो आपके काम को लेके व्हेन यू आर नॉट श्योर वेदर व्हाट यू आर डूइंग इज वर्किंग और नॉट एंड दैट्स द फीलिंग आई हैड थ्रू आउट दिस फिल्म आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल है एक तरफा प्यार जो होता है जहाँ आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है यू कैन बी विद दैट पर्सन यू नो वी नो दैट बट कभी कभी प्यार दोनों तरफ से होता है एंड बोथ पीपल लव ईच अदर एंड दे स्टिल कैन बी विद ईच अदर सो वो ये सब जो चीज़ें होती है आई थिंक मेक वेरी इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन आज के टाइम में होता है इटर्नल लव डज पहले जब ये प्रश्न मेरे को पूछा था तो इवन आई वॉज थिंकिंग बट देर आर सो मेनी स्टोरीज वी रीड यू नो होल डे वी कीप रीडिंग इन द पेपर यू हियर ऑफ लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते यार आजकल और हमेशा करते रहेंगे बिकॉज दैट इज वॉट मेक्स अस ह्यूमन एंड आई थिंक लव इज लव हमारा ये जो इटर्नल मीन्स वॉट फॉर एवर लाइक अंटिल दैट यू the day that you are alive forever and ever even after you are probably dead and gone but jab aap pyar karte ho to aap pyar karte ho then there's no thing of mai come it
10% कम 20% ज़्यादा इन योर हार्ट और इन योर लाइफ तो वेन यू फील ट्रू लव इट ऑलवेज फील्स लाइक इटर्नल लव और हर कैरेक्टर दिस वर्ड इटर्नल लव आई थिंक ये हर कैरेक्टर के साथ लिंक्ड है कहीं ना कहीं ये हर कैरेक्टर के साथ इट मेक्स सेंस हर कैरेक्टर का प्यार अलग है फिल्म में और हर कैरेक्टर एक अलग जर्नी का एक अलग स्ट्रगल है फिल्म में एंड बट इट ऑल कल्मिनेट्स इनटू इटर्नल लव